आपने लास्ट वीडियो में जाना कि ताजमहल बनाने वाले मजदूरों के हाथ नहीं काटे गए थे और मैंने उसका प्रूफ भी दिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले आप वो वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लेकिन अब हम जानते हैं कि ऐसी झूठी बात हमें आज तक सुनने को क्यों मिलती है, यहाँ तक कि हमारी स्कूल की बुक्स में भी यही लिखा होता है। क्योंकि दोस्तों, जो इंसान सिर्फ अपने प्यार की याद में इतनी बड़ी इमारत बनवा सकता है, वो कैसे 20,000 लोगों के हाथ कटवा सकता है। तो देखिए, एक्चुअली जब ताजमहल बनकर तैयार हुआ तो शाहजहां ये नहीं चाहते थे कि ऐसी दूसरी कोई इमारत बनके तैयार हो, इसलिए उन्होंने मजदूरों के सामने ये प्रस्ताव रखा कि वो उनको हर महीने एक निश्चित मुद्राएं दे दिया करेंगे और इसके बदले वो आज के बाद कोई इमारत नहीं बनाएंगे। तो फिर उस टाइम उन मजदूरों में ये मुहावरा बना कि इन हाथों से जब हम कोई कारीगरी ही नहीं कर सकते तो हमारे हाथ कटे के समान है। मतलब कि उन्होंने एक कंपेयर किया था। अब आगे जाकर ये बात ने गलत डायरेक्शन पकड़ लिया और अफवाह फैल गई कि मजदूरों के हाथ काट दिए थे, जबकि वो सिर्फ एक मुहावरा था। और कुछ मजदूर जो उनसे सहमत नहीं हुए वो साझा के दुश्मन बन गए और उन्होंने भी ये गलत अफवाह फैला दी कि मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे। क्योंकि दोस्तों, इतिहास में भी ये लिखा हुआ है कि जिन मजदूरों ने ताजमहल बनाया था उन्हीं मजदूरों ने दिल्ली के लाल किले में मरम्मत का काम किया था। दैट्स इट। अगर कुछ नया जाना हो तो वीडियो को लाइक कर देना।